चिकन कलेजी बनाने का आसान तरीका, चलिए बनाते हैं। इसके लिए कलेजी जो है, चिकन का कलेजी और बॉट ले लिए, 500 ग्राम लाए, उसको अच्छी तरह से गर्म पानी में साफ कर दिए, बहुत अच्छा तरह से साफ कर दीजिए जिससे बदबू नहीं आए। उसके बाद दो प्याज छोटा छोटा काट लिए हैं, उसके बाद अदरक है, लहसुन और हरा मिर्चा, ये सबको खल मूसल में डाल करके इसको कूट लेना है अच्छे से, महीन से। इस तरह से कूट करके अगर मसाला डालते हैं तो बहुत टेस्टी बनता है, और चिकन का कलेजी या बॉट में बहुत फायदेमंद है, बहुत हेल्दी होता है, और खून के जिसको कमी है उसको खिलाइए तो बहुत जल्दी खून बढ़ जाता है। अब हम गैस की तरफ चलते हैं, गैस जला लिए, कढ़ाई जल गर्म हो गया, उसमें 4 चम्मच सरसों का तेल डाल देना है, क्योंकि कलेजी और जो बॉट है उसके ऊपर तेल रहता है, तो ज़्यादा तेल नहीं डालना है। 1 चम्मच जीरा डाल दिया, लाल 4 मिर्चा डाल दिया, और बहुत आसान तरीका से बनता है और बहुत जल्दी बन जाता है, और बच्चे लोग के बना करके खिलाइए, बच्चे लोग के लिए बहुत फायदेमंद होता है। इस तरह प्याज जो है हल्का सा भून लेना है, प्याज भुना गया, अब जो हम मसाला तैयार किए थे अदरक लहसुन हरा मिर्चा उसको इसमें ऐड कर फिर हल्का सा चला देते हैं, बहुत जल्दी बनता है, बहुत आसान तरीका है, और मेरे रसोई में बन रहा है तो आप लोग ऐसे नहीं देखिएगा। 1 चम्मच हल्दी पाउडर ऐड कर दी, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच काला मिर्च, 1 चम्मच लाल मिर्चा का पाउडर और नमक स्वाद अनुसार, और सबको अच्छी तरह से भून लेते हैं। भूनने के बाद 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च और चिकन मसाला वो 1 चम्मच डाल देते हैं, सबको अच्छी तरह से भून लेते हैं। भूनने के बाद मेरा मसाला जो है तैयार हो गया, अब जो हम चिकन में कलेजी है उसको ऐड कर देंगे, और गैस को हाई फ्लेम रखेंगे और चला देंगे अच्छी तरह से। देखिए कितना आसान और कितना जल्दी बन जाता है, और इस तरह से इसको ढक दीजिए कम से कम 5 मिनट के लिए, गैस लो फ्लेम कर दीजिए, फिर उल्टा करके वो ढक्कन हटाइए और फिर इसको चला दीजिए अच्छी तरह से। बहुत जल्दी पक जाती है, मुश्किल से 10 से 15 मिनट में आपका कलेजी पक जाता है, फिर ढक दीजिए ऐसे तरह ढक ढक करके। हम पानी तो डालना नहीं है, उसी प्याज और मसाला के साथ अच्छी तरह से पक जाएगा मेरा चिकन कलेजी और बॉट। अच्छा, आपके यहाँ चिकन कलेजी और बॉट को क्या नाम देते हैं, क्या कहते हैं, कमेंट करके बताइएगा। हमारे यहाँ कलेजी और बॉट कहते हैं। देखिए कितना अच्छा से तैयार हो गया है, और इसको सादा रोटी के साथ खाइए, और परौठा कम घी कम तेल में परौठा भी साथ में खा सकते हैं। गैस बंद कर दिए, 1/2 नींबू निचोड़ दिए, नींबू निचोड़ने के बाद इतना टेस्टी लगता है कलेजी फ्राई, जो हम बता नहीं सकते, बहुत ज़्यादा टेस्टी। इसलिए नींबू ज़रूर निचोड़ लीजिएगा, धनिया पत्ता ज़रूर ऐड कर लीजिएगा, ये सब ना टेस्टी तो बनता ही है, उसमें ये सब चीज़ डाल देते हैं अलग से तो फ्लेवर ही अलग हो जाता है। अब चलिए सर्व करने के लिए, अब बहुत खुशबू आ रही थी चिकन के कलेजी में, और बच्चे लोग इस तरह का कलेजी को फ्राई करके दीजिएगा तो बच्चे लोग बहुत शौक से खाएंगे। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।